नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर टिकटों के बंटवारे का अभी तक बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा फाइनल लिस्ट नहीं तैयार की गई है। हालांकि कुछ उम्मीदवारों के द्वारा फेसबुक और अन्य मीडिया के संसाधनों के द्वारा यह जताने का प्रयास जरूर किया जा रहा है कि हमें समर्थन देवें और पार्टी के इस जोन से हम खड़े हो रहे हैं, परंतु अभी तक दोनों ही पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और यह घोषणा भी अभी तक नहीं की है कि किस अभ्यर्थी को पार्टी के द्वारा टिकट दी गई है। अभी तक दोनों पार्टियां मंथन पर लगी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक विनोद कुमार के घर पर हजूम जरूर लगा रहा और पार्टी की टिकट के लिए वे अपना दमखम विधायक महोदय को बताने से पीछे नहीं रह रहे हैं। लोग समूह के रूप में चौधरी विनोद कुमार के निवास स्थान पर टिकट लेने के लिए, अपनी टिकट पक्की करने के लिए जोर शोर आजमा रहे हैं और विधायक महोदय को यह विश्वास भी दिला रहे हैं कि अगर हमारे को टिकट दी जाती है तो जीत सुनिश्चित है। इसी बीच विधायक महोदय से कल लगातार लोगों के यहाँ आने जाने का तंता लगा रहा और टिकट चाहने वालों की भीड़ लगी रही। इस मौके पर विधायक ने क्या कहा? लगभग तय होगी साहब, कोई 1-2% कोई बाकी है, बाकी लगभग जगह में 2-2, 3-3 कैंडिडेट है। मैंने कुछ समझ कराने की कोशिश करा, आपस में मन मुटाव नहीं हुआ है और चुनाव इसी चीज़ है साहब कि सारा इनमें सहयोग है तो ही आदमी जीत सके है। एक लो आदमी कोई दुनिया में शोक को जीत जाए, सारे कार्यकर्ता लगे तो ही दिन जीत हासिल हुआ है। तो मैंने वो सहयोग करा सारा, क्यों पकड़ा, क्यों माफ़ी मांगा भी, कोई बात को नहीं, इन्हें टिकट दे दी थी, मदद कर दो भाई, अगले कि थाने दे दें, एक कृषि उपज मंडी का चुनाव आज और चुनाव घना ही आवे अत है कोई भी, वो कुंभ को मिलो मुड़ गया आवे कोई, तो चुनाव तो लगातार चलते ही रहे, तो हमारा प्रयास सफल होगा। 1-2% है, मैंने मेरा जी करने की कोशिश करा। आज तारीख होगी 6-7 नहीं 8 सिंबल आ जाएगा, मैं भर देंगे अभी बाद नहीं काम खत्म हो जाएगा। तो अब प्रक्रिया 3-4 दिन तो जितने नॉमिनेशन है नहीं हो जाए काम चलती रहेगी, फिर कहीं भर दी हो तो मैंने उठाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो 11 तारीख तक जितने नॉमिनेशन विड्रॉल को टाइम खत्म नहीं हो जाए, प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। कुल मिला गया अच्छा माहौल है, लोग माने भी है, लोगों में जोश भी है, कांग्रेस की जो असर भी है कि बीजेपी का जो विरोधी कानून बने हम भी लोग नाराज है। कांग्रेस पार्टी 5 एकड़ों की तक जमीन ने कुड़को नहीं कर सके, ये बातें लोगों ने सुहाव है और फायदेमंद भी है। इस वास्ते भविष्य वहाँ कांग्रेस के बजू भविष्य मैंने उज्ज्वल लगे, अच्छी सीटों जीता आगे ईश्वर ने बताया। धन्यवाद। चौधरी विनोद कुमार विधायक का कहना है कि 1-2% सीटें अभी तय करनी बाकी है, बाकी सभी सीटों का पैनल कांग्रेस पार्टी के स्तर से तैयार कर लिया गया है और जैसे जैसे आगे नामांकन की तिथि अंतिम तिथि आएगी उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और जब उनसे पूछा गया कि जीत के लिए आपके स्तर से क्या मुद्दे रहेंगे, क्या प्रयास रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए सबसे प्रथम मुद्दा किसानों के लिए जो काला कानून 3 अध्यादेश लाए गए हैं उसको मुद्दा बनाकर हम कांग्रेस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो समय समय पर विकास के कार्य किए हैं उसको लेकर हम चुनाव में उतरेंगे और उसके आधार पर हम पार्टी को जीत दिलाएंगे। जब टिकट लेने वालों की भीड़ विधायक के निवास पर लगी हुई थी, इसी बीच ANM के द्वारा अपना ज्ञापन देने के लिए वहां पहुंचना हुआ तो अपनी सीटों से सभी लोगों ने खड़े होकर पहले ये कहा कि पहले आंगी बात सुनो, आप वोटर भी है हमारा, इन वास्ते आंगी बात पहले सुननी चाहिए, मैं तो बाद में बात कर लेंगा। इसी बीच वे वहां से खड़े हुए और ANM के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। ANM के द्वारा कहा गया कि हमारी गांवों के अंदर सीधी पहुंच है,
और अगर हमारी कोई बात नहीं सुनता है तो मैं सरकार भी पलट दिया। इस पर पलटवार करते हुए विधायक महोदय के द्वारा मजाकिया तौर पर कहा कि वो काम तो थे ना करियो, मैं थारा बात चंगी तरह सुनांगा और सरकार तक आ बात ने पहुँचावांगा। इनके बाद बैठे बैठे लोगों में हंसी छूट गई और सभी एक दूसरे कन्नी देखन लग गया। जो भी हो, अभी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही टिकट वितरण पर माथापच्ची कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी शीघ्र इनकी टिकटें फाइनल होती हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।